क्या आपका बच्चा भी रात में सोते समय परेशान करता है? कभी बहुत देर से सोता है, कभी नहीं सोता है, या बार बार उठता है? तो आज हम इसी बारे में कुछ डिस्कस करेंगे। नमस्ते, मैं डॉक्टर सुनीता कुमार, बाल रोग विशेषज्ञ। तो आज हम ये डिस्कस करेंगे कि नॉर्मल स्लीप पैटर्न क्या है। ये नॉर्मल स्लीप किसे कहते हैं? नॉर्मल स्लीप वह अवस्था है जिसमें टेम्परेली हम आउटर एटमोसफियर से डिस्कनेक्ट हो जाते हैं। यानी यही एक डिफरेंस है डेथ में और स्लीप में, कि आप स्लीप में जब आदमी होता है तो उसको रिवर्सिबल कर सकते हैं, यानी जगा सकते हैं, जबकि जो डेड आदमी है उसको आप जगा नहीं सकते। यही एक डिफरेंस है, और ईईजी करेंगे तो मेजर चेंजेस दिखाई देंगे। अब कितने तरीके का ये स्लीप पैटर्न होता है ये भी हमको जानना बहुत जरूरी है। ये REM और नॉन REM मेडिकली स्पीकिंग होता है। REM स्लीप जो होती है, रैपिड आई मूवमेंट जिसका फुल फॉर्म है, इसमें आई बॉल्स आपके चलते हुए दिखाई देते हैं सोते समय, यानी आईलिड्स बंद रहेंगी लेकिन आपको लगेगा कि जैसे आई बॉल्स चल रही हैं। ये बहुत कच्ची नींद की अवस्था होती है और इसी में स्वप्न भी दिखाई देते हैं। और नॉन REM पैटर्न वो होता है जिसमें डीप स्लीप होती है और ये आई बॉल्स का मूवमेंट बहुत कम दिखाई देता है। जैसे नवजात शिशु में हम अक्सर देखते हैं कि बच्चा हंसता है, मुस्कुराता है, कभी रोने लगता है, कभी उसके मसल स्टिचिंग्स आने लगती हैं, कभी वो कुछ चेहरे बनाना लगता है अजीब अजीब। तो हम लोग यही कहते हैं, आपस में डिस्कशन होता है कि क्या ये पुराने जन्म की बातें सोच रहा है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। बच्चों में, नवजात शिशु में NREM पैटर्न या कम होता है और REM रैपिड आई मूवमेंट पैटर्न ज्यादा होता है। इसलिए ये ट्विचिंग्स और जो रोना हंसना जो बच्चों में, नवजात शिशु में देखा जाता, ये ज्यादा हो जाता है और उम्र के बढ़ते बढ़ते ये धीरे धीरे कम हो जाता है। अब हम देखेंगे कि ड्यूरेशन क्या है। ड्यूरेशन ये है कि नवजात शिशु जो है 16 से 18 घंटे तक सो सकता है। यानी जब भी नवजात शिशु को हम देखने जाते हैं तो देखते हैं कि वो सो ही रहा है। ये जो कि 1.5 से 2 साल की उम्र तक ये पैटर्न ऑलमोस्ट ऐसा ही होता है, लेकिन धीरे धीरे कम होने लगता है। और केवल वह जब भूख लगती है या फिर जब बिस्तर गीला करता है तभी बच्चा उठता है, वरना वह ज्यादातर टाइम पे सोता रहता है। लेकिन 3 वर्ष की उम्र ऐसी होती है जिसमें कि 50% रिडक्शन इन द स्लीप पैटर्न। यानी कि अगर नॉर्मली वो 16 घंटे या 18 घंटे सोता है तो वो 10 घंटे पे आ जाएगा, जिसमें हम डिवाइड कर सकते हैं कि 8 से 9 घंटे वो रात में सोता है और 1.5 से 2 घंटे वो दोपहर में सो सकता है। यही पैटर्न जो है एडोलेसेंस में जाके 7.5 घंटे पे जाके रुक जाता है, जो कि वेरी करता है एडल्ट्स में। किसी में 4 घंटे की स्लीप ही सफिशेंट होती है और किसी किसी एडल्ट में 8 घंटे की स्लीप सफिशेंट होती है। अब नॉर्मल स्लीप किस किस चीज़ से अफेक्ट होती है? नॉर्मल स्लीप हमारी अफेक्ट होती है अगर हमारे को शरीर में किसी तरह की तकलीफ हो तब उसे अफेक्ट होती है, मौसम से और कल्चरल डिफरेंसेस से। स्कूल के समय के अनुसार बच्चे को जगाना पड़ता है, यानी वो जगना नहीं चाहता लेकिन जगाना पड़ता है। खाने पीने के असर से, दवाइयों के असर से। अब बीमारियों में मैं डिस्कशन करना चाहूँगी जो बच्चों में विशेष रूप से बहुत पॉपुलर है या बहुत कॉमन है, जिसको कहना चाहिए, वो एडिनोइड्स है। या एडिनोइड्स बढ़ जाते हैं तो वो बच्चा जैसे ही लेटता है वैसे ही वो उसकी नाक बंद हो जाती है और वो सोने में आपको नहीं महसूस करता है कि वो ठीक से सो सकता है या ठीक से उसके सांस नहीं आती है। इसलिए हमें एडिनोइड्स अगर हैं तो किसी नाक कान गला रोग विशेषज्ञ को दिखा के उसके एडिनोइड्स को रिमूव कराना चाहिए, या ऐसी कोई दवा नाक में डालना चाहिए जिससे कि उसकी नाक हमेशा खुली रहे सोते समय भी। और एक दूसरा फैक्टर भी है जिसमें कि वो सांस फूलती है तब भी बच्चा नहीं सो सकता है। अगर उसको ब्रोंकियल अस्थमा है तो सांस फूलना शुरू होगी तो बच्चे को नींद नहीं आएगी। तो हमें ये फैक्टर्स भी दिमाग में रखने चाहिए। या किसी और वजह से शरीर में उसके दर्द हो रहा है या सिर में दर्द हो रहा है या तेज बुखार आ रहा है तो वही फैक्टर्स भी अफेक्ट होते हैं। जैसे ये नॉर्मल स्लीप पैटर्न है, अगर स्लीप पैटर्न जो है डिस्टर्ब हो जाता है तो हम इसको कहते हैं कि स्लीप डिसऑर्डर है। अब स्लीप डिसऑर्डर्स जो है बिहेवियर इंसोमनियाज होते हैं, रिफ्यूजल टू स्लीप होता है, या फिर डिलेड स्लीप है, यानी कि बहुत देर तक बच्चा सोता नहीं, 12-1 बजे तक रात में वो सोएगा नहीं, या फिर ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया, जैसा कि मैंने अभी बताया एडिनोइड्स बढ़ने से वो नाक उसकी बंद हो जाती है और वो सोने में सक्षम नहीं होता है।
और वो किसी मेंटल या फिजिकल इलनेस द्वारा भी अफेक्ट हो सकती है। अब पैराजोमनियाज भी होते हैं। पैराजोमनियाज क्या होते हैं? जैसे कि नींद में चलना, या स्लीप टेरर्स, या स्लीप ब्रक्सिज्म होना। यानी ब्रक्सिज्म किसको कहते हैं? यानी दांत जो है किटकिटाता है बच्चा। हमारे आउटडोर में अक्सर माएँ आती हैं, कहती हैं कि हमारा बच्चा बहुत दांत किटकिटाता है, तो आप इसको कोई केंचुए की दवा दे दीजिए तो वो दांत किटकिटाना बंद कर देगा। लेकिन दांत किटकिटाने का कारण जो रिलेशन है वो केंचुए से बिल्कुल भी नहीं है, वो सिर्फ एक एंजाइटी का रिफ्लेक्शन है। अगर अगर हम बच्चे से बात करें और काउंसिल करें तो ये उसका ब्रक्सिज्म खत्म हो जाता है। इसी तरह से स्लीप वॉकिंग भी है, और इसी तरह से स्लीप ट्रेमर्स भी हैं। स्लीप ट्रेमर्स जैसे बच्चे को कुछ एकदम से लगता है कि बहुत डर लग रहा है और वो सो के उठ जाता है, तो उनको अगर हम काउंसिल करते हैं और अगर उसको धीरे धीरे जो है समझाते हैं कि ये डरने की कोई इसमें आवश्यकता नहीं है, और अगर उस माँ अपने पास लेके सोती तो ये नॉर्मल पैटर्न आ जाता है। अब हमें देखना है कि डिफरेंशियल डायग्नोसिस में अगर जैसे स्लीप पैटर्न जो है उसका एबनॉर्मल हो रहा है, तो डिफरेंशियल डायग्नोसिस में हमें क्या क्या सोचना चाहिए? एक तो जैसे मैंने बताया कि एडिनॉइड्स बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत कॉमन कॉज है। न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स देखने चाहिए, अटेंशन डेफिसिट डिसऑर्डर्स देखने चाहिए, और CNS डिसऑर्डर्स देखने चाहिए। तो इसके लिए इन्वेस्टिगेशंस हम क्या करते हैं? इन्वेस्टिगेशंस ये करते हैं कि स्लीप पैटर्न को देख स्टडी करने के लिए पॉलीसोमनोग्राफी होती है। पॉलीसोमनोग्राफी क्या होती है? ये कि स्लीप लैब्स होती हैं, इसमें कि प्रोब्स को लगा के और स्लीप स्टडी की जाती है। 24 आवर्स तक या पूरी रात स्टडी करी जाती है, और पूरी दिन भर बच्चे को जगाया जाता है, और पूरी रात जब सोता है तो उसमें स्लीप स्टडी की जाती है। उससे पता लग जाता है कि इसका स्लीपिंग पैटर्न क्या है। और अगर आप कोई ट्यूमर सस्पेक्ट कर रहे हैं या कोई इंट्राक्रेनियल लीजन सस्पेक्ट कर रहे हैं तो CT स्कैन या MRI कराते हैं। तो ट्रीटमेंट और कैरी होम मैसेज ऑलमोस्ट सेम है, जिसमें कि आपको ये देखना है कि कॉज क्या है, कि बच्चा सोता क्यों नहीं है। ये जैसे मैंने बताया एडिनॉइड्स है, सांस फूल रही है, या बच्चे को कंफर्टेबल माहौल नहीं मिल रहा है। ये सारी चीज़ें जब रूल आउट कर देते हैं तो फिर हम उसको सुलाने की कोशिश करते हैं। यानी उसका सोने का समय भी एक निश्चित होना चाहिए, जागने का समय भी निश्चित होना चाहिए। ये नहीं कि छुट्टी का दिन है तो बहुत देर तक सो रहा है बच्चा, और आज स्कूल नहीं जाना है तो 3 घंटे लेट उठ रहा है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। उसका स्लीप पैटर्न बिल्कुल फिक्स होना चाहिए, और चारों तरफ की जो नॉइजेस या जो शोर होता है, लाइट्स होती हैं, और उसकी जो खाने की अवस्था, यानी कि उसने उसका पेट भरा है कि नहीं भरा है, भूखा तो नहीं है बच्चा, और उसको दिन में बहुत ज़्यादा उसको सोने मत दीजिए। और बच्चे को हमेशा जब भी वो सोता है तो उसको कभी सेफ और कंफर्टेबल महसूस कराना चाहिए, उसको अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनानी चाहिए, और उसको अगर कंफर्ट टॉय या कंफर्ट पिलो लेना चाहता है अपने साथ में सोते समय तो उसको अवश्य दीजिए। और कभी एक्सट्रीम केसेस में यूज़ ऑफ मेलाटोनिन, क्लोनिडिन या डायजिपाम जैसी ड्रग्स यूज़ करते हैं, लेकिन बच्चों में आवश्यकता इसकी नहीं होती है देने की, काउंसलिंग से ही बात बन जाती है। और मैंने जैसे बताया कि स्लीप डिसऑर्डर अगर आप कई दिन तक बच्चे का ये लगता है कि स्लीप डिसऑर्डर हो रहा है, तब आप किसी चिकित्सक से मिलें, अन्यथा कोशिश करें कि वह बच्चा कंफर्टेबल हो सोते समय। नमस्ते।